दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज की नीमच मंडी की लहसुन प्याज की आवक देख लेते हैं कैसी रही है। तो दोस्तों हाल फिलहाल प्याज की आवक तो 3500 कट्टे की है, 3500 कट्टे की। और लहसुन की बात करें दोस्तों तो लहसुन में लगभग 6,000-6,500 बोरी के आसपास हाल फिलहाल तक 6,000-6,500 के बीच में ही है, 6 से ज़्यादा भी नहीं दिख रही है। मान के चलिए आवक का प्रेशर है क्योंकि मंदसौर मंडी और पिपलिया मंडी फुल हो चुकी है, तो वहाँ की आवक यहाँ आएगी तो 8,000 के आसपास भी बन जाएगी आवक, क्योंकि कल भी सुबह 8,850 थी और 11,000 आवक हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। तो सुबह की राम राम आप सभी को, जय श्री कृष्णा। और ये नीमच मंडी की लहसुन और प्याज की आवक देख लेते हैं। काफ़ी ठंड है और काफ़ी कोहरा छा रहा है। 10 फीट से ज़्यादा की दूरी पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ऐसा कोहरे में हम आए हैं। और ये छपरा पूरा भरा हुआ है क्योंकि छपरे में पहले नीलाम होगा, ठंड भी काफ़ी है तो छपरे में माल खाली करना लाभदायक रहेगा। तो ये दोस्तों छपरे की आवक है नीमच मंडी में लहसुन की, सॉरी प्याज की दोस्तों। और लहसुन की भी आवक छपरों में है आज। और भार भी देख लेते हैं, आवक है प्याज की लगभग 2000 कट्टे भार हैं और 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 लगभग 1100 कट्टे के आसपास छपरे में है। तो लगभग 3000 से 3500 के आसपास हाल फिलहाल प्याज की आवक देखने को मिल रही है। और ये भार की आवक देख सकते हैं दोस्तों, इधर तो थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, बाकी रोड पर नहीं है बिल्कुल भी, 10 फीट से दूरी पर ज़्यादा। इस साइड तो प्रकाश अच्छा दिख रहा है। और जो प्याज में मद्दा भी आया उसका हमने कारण सहित आपको बताया है। आयातित माल 30 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो बिका है, देख सकते हैं दोस्तों आप, दूर प्रकाश कम ही नज़र आ रहा है आपको। लहसुन की आवक देख लेते हैं, यहाँ तक आवक तो आ चुकी है हाल फिलहाल तक। और चलते हैं अपन आवक देखते हुए, छपरों में भी माल है, काफ़ी ठंडक है और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा है। रोड पर तो बिल्कुल नहीं है, 10 फीट से दूरी, मगर इधर थोड़ा प्रकाश नज़र आ रहा है। तो यह आवक देख सकते हैं आप। कल दोस्तों सुबह पहली तक तो 8,500 बोरी की आवक थी और दिन तक हो गई थी 11,000 बोरी की आवक। और ये देख सकते हैं आज की आवक, थोड़ी दूरी दूरी पर माल है और अलाव भी तप रहे हैं, काफ़ी ठंडक है। और चलते हैं दोस्तों और आगे भी आवक देख लेते हैं लहसुन की कितनी है, गिनती भी लगा लेते हैं, हम काउंटिंग करते हुए चलते हैं, गिनती लगा कर कितनी आवक बन रही है। मित्र लोग हैं लहसुन लेकर आए हैं आज, और पेबुच में भी आए थे, मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों ये आवक देख सकते हैं, छपरों में भी आवक है और छपरे की भी आवक देख लेते हैं। और इस साइड तो आवक अच्छी है, दूसरी साइड वाली में आवक कम है ज़रूर। तो ये छपरे भी भरे हुए हैं क्योंकि ठंडक काफ़ी है मौसम में। और दोस्तों जैसा कि हमने कहा था, ग्राहकी थी तो चल रहा था और आवक इतनी आने की वजह से ऐसा लग रहा है जो ग्राहकी थी उसकी डिमांड लगभग 80% पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से बाज़ार में कुछ कल गिरावट देखने को मिली थी। और जैसा हमने कहा था, ग्राहकी है पोंगल की और उस ग्राहकी में आवके इतनी होने के बावजूद बाज़ार नहीं टूटा था, उसकी ग्राहकी पूरी हो चुकी है ऐसा लग रहा 80% तक। और कल आवक बम्पर होने से बाज़ार टूटा था, पक्का टूटा था, जिसकी भी हमने आपको रिपोर्ट दी थी। तो दोस्तों ये पूरी आवक देख सकते हैं, गाड़ी खाली हो रही है पिकअप, और देख सकते हैं टाटा एस आयशर गाड़ी है। और ये पूरी आवक है, बड़े बड़े ढेर हैं आवके, ठीक ठाक है, आज कम भी नहीं कह सकते ना ज़्यादा कह सकते हैं। ये और आवक देख सकते हैं, तो ये वाला प्लेटफॉर्म तो पूरा भरा हुआ है इस साइड में, और इस साइड की आवके ठीक ठाक नज़र आ रही है। दूसरी साइड में ज़रूर कुछ कम है, गिनती लगा लेते हैं, मगर छपरों में भी माल है इसलिए आवक कम नहीं है, आवक ठीक ठाक ही है। और यह पूरी आवक देख सकते हैं आप, अलावर से आए हैं और लहसुन लेकर नीमच मंडी में, और काफ़ी ठंडक है आज। और कितना माल और बचा दादा? लगभग यही है, लास्ट चल रहा है, लास्ट चल रहा है। नया कब लाओगे? मार्च से बाद झालावाड़ साइड का माल आएगा लगभग। पूर्व में भी हमारी मुलाकात हुई है, आपने देखा ही होगा दोस्तों, बहुत सी बार मुलाकात हुई। तो चलते हैं दोस्तों आवक देख लेते हैं और नीमच मंडी की पूरी क्या आवक बन रही है। तो आवक के अच्छी है, कम नहीं है। ये साइड तो पूरा भरा हुआ है, गेट खुल चुका है, कोहरा दिख रहा होगा आपको, काफ़ी कोहरा भी है, देख सकते हैं गेट के यहाँ बिल्कुल जाम नहीं है। और आवक ठीक ठाक ही है इधर, इस साइड में ज़रूर अब आवक कम है जहाँ हम चल रहे हैं आप देखने के लिए। और ये पूरी आवक है हाल फिलहाल तक नीमच मंडी में लहसुन की आवक, देख सकते हैं नीमच मंडी की लहसुन की पूरी मंडी की आवक। इस साइड में आवक नहीं है, वो वाली साइड पूरी भरी हुई है, ये साइड पूरा खाली है, आप देख सकते हैं आवक को। और ये साइड में माल नहीं है और इसकी जगह ठंड अधिक होने से, कोहरा अधिक होने से माल छपरों में खाली है। तो ये आज यहाँ की आवक आप पूरी देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहला छपरा जो बच रहा था आवक देखने का, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों पहले छपरे की आवक भी देख लेते हैं अपन, पहले छपरे में क्या आवक है। और
या आवक दोस्तों छपरे की, पहले छपरे में क्या आवक बनी है, ज़्यादा तो नहीं है मगर ठीक ठाक है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से हो दादा? आलोट के पास, नागदा जिले से है। आलोट से कितना लहसुन और बच रहा है? आखिरी गाड़ी है, आखिरी है। नया कब लाओगे? नया एक महीना लगेगा, फरवरी। और बुआई कैसी आपके वहाँ? बढ़िया है, जबरदस्त। और फसल कैसी बैठेगी? अच्छा रहे, जोरदार। तो दोस्तों ये आलोट से है, नागदा जिले से है किसान भाई, और इनकी लास्ट है ये ट्रिप, और माल लगभग पुराना ख़त्म हो चुका है। और कहाँ से हो दादा? बांगरोज से। कितना लहसुन और बचा है? अरे अब क्या है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बचा है। अच्छा, और नया कब लाओगे? नया तो करीब करीब फरवरी, 15 फरवरी के बाद। 15 फरवरी के बाद। बुआई कैसी आपके यहाँ? बुआई तो बहुत कम है इस बार। आपके इधर कम है? तो दोस्तों इधर बुआई कम है और कहीं बहुत ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल 125% तो बुआई के आंकड़े हैं गत वर्ष से इस साल के लिए। तो दोस्तों पूरी आवक देख सकते हैं छपरे की, आप पहले छपरे की भी। तो नमस्कार, और ये नीमच मंडी में आए हैं लहसुन लेकर। कहाँ से हो दादा? कौन से जिले से? धार जिले से हैं। और कितना लहसुन बचा है? तो दादा बेचो अब, तो बेचना जरूरी है, भाव बढ़ने की जगह और घट जाएगा दादा। और नया कब लाओगे? फरवरी में। तो हमारा तो यही निवेदन है, अभी बाजार अच्छे हैं, माल बेचते रहें।